हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक और ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए जो कि है वाटर कलर आर्ट। सो वेलकम टू स्ट्रेजन आर्ट स्टूडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक मटेरियल्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं इसमें है ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर, वाटर कलर, ब्रशेस, वाटर एंड अ कलर पैलेट, दैट्स इट। आज फिर से मेरे वीडियो की स्टार है मेरी नीस मुनमुन। आई वॉज इम्प्रेस इसकी ड्राइंग देख के, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक ट्री में बर्ड हाउस क्रिएट करा। ड्राइंग बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। और ये बेसिक हमने एक तैयार करी थी ड्राइंग जिसपे वाटर कलर शुरू कर रही है। ये एक लैंडस्केप ड्राइंग है, तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे एनवायरनमेंट की, उसके लिए मैंने बस एक बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिया था मुनमुन को कि आप हॉरिजॉन्टली कलर को स्प्रेड करें, तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं रख के ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट कलर करना आता था, तो उसने इन्वर्ट कर दिया अपने ड्राइंग शीट को और ऊपर नीचे करके उसने ऐसे ही स्काई पेंट करा और वैसे ही ग्राउंड पेंट करा। तो आप देख सकते होंगे स्काई में वर्टिकली लाइंस की वजह से बड़ा अच्छा इफेक्ट आया, ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में उसने क्लाउड्स भी पेंट करे हैं। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर, वो थोड़ा अपना एक मोशन से शिफ्ट होता है कलर, तो अच्छा इफेक्ट आ रहा है देखकर। ऐसे ही हमने ट्री को पेंट करा है। अब इसमें तो स्ट्रेट ही शो करना था, तो स्ट्रेट लाइंस देख के ट्री का बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है। एंड मैं तो धीरे धीरे गाइड ही कर रही थी, बाकी सब ये मुनमुन ही कर रही है। वेरी ब्यूटिफुली डन टिल द हेयर। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल वर्क शुरू हो जाता है, छोटा छोटा सा, जिसके लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, बट बहुत बहुत अच्छी तरह से करा है इसने पेंट को। आई होप सो आप भी ऐसे गाइड कर पाएँ, इट इज़ वेरी ईजी। ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं थी कि जो छोटा बच्चा ना कर पाए, बट स्टिल हाथ की सफाई विद टाइम ही आती है। यहाँ पर हमने अपनी दो वाइब्रेंट बर्ड्स बनाई हैं, एक प्रिटी ब्लू कलर में और दूसरी हमने एक रेड कलर में बनाई है। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो ये छोटा सा आर्टवर्क। आजकल ये लॉकडाउन के चक्कर में ये अच्छा टाइम मिला है इन अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप रोज़ कुछ ना कुछ ड्रॉ करें, बच्चे ड्रॉ करें, और फिर देखिए जब हमारा एक्चुअल स्कूल क्लासेस शुरू होंगी तब तक आपके हाथ में बहुत फिटनेस आ जाएगा। यहाँ पर लीव्स को पेंट करने के लिए हमने दो तीन कलर के ग्रीन कलर्स यूज़ करे हैं, तो थोड़ा लाइट ग्रीन है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, थोड़ा येलोइश ग्रीन है, सो दैट वो डिफरेंट लेवल्स दिख जाएं लीव्स के। पर सिंपल ही रखा है सो दैट मुनमुन के लिए भी इजी हो इसे पेंट करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। एंड फाइनली ये बन के बहुत ही अच्छी लग रही थी, ये डिफरेंट कलर के लीव्स का इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। सो हमारी पेंटिंग बन के तैयार है, और बस लास्ट में एक फिनिशिंग इफेक्ट देने के लिए हमने इस पूरी पेंटिंग को आउटलाइन दे दी है। मेरे पास लॉकडाउन की वजह से ब्राउन स्केच पेन नहीं था, तो जो ब्लैक स्केच पेन था हमने उससे ही एक आउटलाइन दी है। एक डार्क कलर की आउटलाइन होने से थोड़ा पॉपी सा लगती है पेंटिंग, स्पेशली जैसे आप अपनी बुक्स में देखते हैं उसमें भी ऐसे होता है, हर जो कैरेक्टर होता है उनको एक आउटलाइन से दे देते हैं, थोड़ा पॉप आउट सा लगता है फिगर। सेम वी डिड ओवर हेयर, मुनमुन ने सारी जो अपना स्केच बनाया था उसमें एक आउटलाइन कर दी और अपना सिग्नेचर कर दिया। वेल डन मुनमुन, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई आपने। सो आप लोग भी क्या देख रहे हैं, प्लीज़ डू ट्राई दिस काइंड ऑफ वाटर कलर पेंटिंग एट होम। फोटोग्राफ शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई और क्वेरी हो आपको तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो डू चेक आउट दीज कूल वीडियोज़। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।